हेलो फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, मतलब मॉर्निंग का टाइम है, अभी पूजा कर रही हूँ। ऐसे ही जो बेसिक पूजा करते हैं ना, अभी तो वही पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं नहा के आ गई थी, और सोला वगैरह भी मैंने ढार लिए थे, मतलब जो सोला ढालते हैं महालक्ष्मी व्रत में, वो सब मैंने प्रिपरेशन कर ली थी। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही थी, बट सॉन्ग चल रहे थे तो इसलिए मैंने नहीं दी। हेलो गाइस, मैं दिव्या और दिव्या की दुनिया का स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, आप सबकी दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। आज मेरा फास्ट है, तो मतलब वही फास्ट की प्रिपरेशन चल रही है। एंड तो मतलब हमारे यहाँ क्या महालक्ष्मी का व्रत रखते हैं, आप पता नहीं मतलब कहाँ कहाँ रखते हैं, कैसे नहीं, हम हमारे यहाँ विदिशा डिस्ट्रिक्ट में ना तो महालक्ष्मी का व्रत रखते हैं। तो वही है फास्टिंग, उसमें क्या होता है ना, सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग टाइम पे, मतलब जितने भी जल्दी उठ सको, जितना जल्दी मॉर्निंग हो जाता है तो उस टाइम पर अर्ली मॉर्निंग उठ के क्या नहाना पड़ता है। पहले क्या होता था कि तालाब में नहाते थे, बट अब तालाब नदियाँ कहाँ हैं तो घर पर ही नहा लेते हैं। तो ऐसा ही है कि मतलब सुबह उठ के नहाना पड़ता है, एक संकल्प लेना पड़ता है कि हम फास्टिंग करेंगे, तो ऐसा ही रहता है। और यहाँ ना ये ना दोपहर की क्लिप है, मतलब मैं मेरी पूजा पाठ वगैरह हो गई थी, खाना वाना बना के मैंने फिर क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। और अभी यहाँ पे ना मैं व्रत की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो भी महालक्ष्मी के व्रत में मैं मतलब जो भी खाना वगैरह बनता है मैं उन सब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आना बेसन छान लिया है अच्छे से, क्योंकि मतलब इसकी मुझे जो मतलब व्रत में जो भी लगता है ना, जैसे कि आप वीडियो देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कैसे क्या बनता है, तो वो उसी सब के लिए मैंने मतलब आटा अच्छे से छान लिया है बेसन को। और यहाँ पर ना पंखा चल रहा था ना, तो बेसन उड़ रहा था इधर उधर। ये देखिए अनबी को, अनबी आ गई है, और ये देखिए आके मतलब मैंने उसको देखा नहीं और उसने हाथ रख दिया, और उसकी यही मस्ती चल रही है यहाँ पे। तो बस यही था, और मैं भी उसको ज़्यादा नहीं रोक रही हूँ, तो वो चली गई थी, उसको मतलब उसके पापा ले गए थे। और यहाँ पे ना बेसन मैंने थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, और मतलब थोड़ी और अजवाइन क्रश करके डाल लूँगी मैं, ये सब डाल लिया। थोड़ा धनिया पाउडर भी मैंने डाला है, और अब यहाँ पे ना मैं हींग भी डाल लूँगी थोड़ी सी, और ये जीरा है, मैंने दो बार अजवाइन डाली थी और धनिया पाउडर, जीरा और थोड़ी सी हींग मैंने डाल ली है। ये इसे मतलब हींग और जो अजवाइन रहती है उससे क्या बेसन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और मैंने ना मतलब थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बेसन लिया हुआ है, मतलब मैं जो बना रही हूँ, हमारे यहाँ बनाते हैं ना बेसन की बतिया टाइप की, तो उनको ना मैं मतलब ज़्यादा ही क्वान्टिटी में लिया हुआ है मैंने, ताकि वो जैसे कि हम लोगों को मतलब आगे भी काम हो जाए, एक टाइप की स्नैक टाइप की हो जाती। और यहाँ पे ना मैंने ऑयल मिला लिया अच्छे से, ऑयल को मतलब मोहन कर ली, मोहन बोलते हैं कि मोइन कर लिया है उससे। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया है, और मैं ऑयल लगा लूँगी, ताकि मतलब जो बेसन चिपक गया है ना, बेसन का आटा मतलब वो चिपक गया है ना, वो अच्छे से छूट जाए। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया था, अब मैं इसमें ना ऑयल लगा के रख दूँगी ताकि रेस्ट मिल जाए उसको। और मैंने ना यहाँ पर ये ले लिया है, इसको क्या बोलते हैं, सूजी ले ली, और उसमें थोड़ा आटा छान लिया है मैंने सूजी में, क्योंकि इसके भी मैं मीठे वाले बनाऊंगी, जो खुरमी बोलते हैं हमारे इधर, आपके लोगों के इधर पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो वो बनाऊंगी। उसमें मैंने ये थोड़ा सा जीरा क्रश करके डाल दिया है, और थोड़ा सा मतलब अजवाइन डाल दूंगी मैं, और थोड़ा नमक वगैरह नहीं डाला। और ये शक्कर का पानी है ना, मैंने शक्कर पहले ही घोल के रख ली थी ना, ताकि इससे थोड़े मीठे हो जाएँ, तो मैंने ये शक्कर का पानी डाल लिया है। और मैंने थोड़ा मोइन तो पहले कर लिया था, अब थोड़ा और उसमें थोड़ा बचा था, तो मैंने कहा ये भी डाल देती, तो सब डाल के और थोड़ा ऑयल लिया था मैंने और कर लिया। और यहाँ पे देखिए मेरी सासू माँ भी हेल्प कर रही हैं, जो बेसन वाले हैं ना ये बनाएंगी, और जो मतलब जो सूजी वाले हैं ना ये बनाऊंगी मैं। वैसे इसमें सूजी और मैदा मिलाते हैं, लेकिन मैंने मैदा नहीं मिलाई, क्योंकि मतलब औरत वगैरह भी खाएगा, और मेरे जो सास ससुर हैं वो भी बुज़ुर्ग हैं, तो पता है बच्चों और बूढ़ों लोगों को, बुज़ुर्ग लोगों को मतलब जो मैदा वगैरह देना उतना सही नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने आटा मिला लिया, हेल्दी भी रहेंगे, तो इसलिए मैंने मिला लिया। अब मैं इनको ना कट कर लूँगी, जैसे कि मतलब इस तरीके में, इस तरीके से करूँगी, जो शेप में भी अपन को करना उस तरीके से कर ली, मैं कर सकते हैं अपन। और यहाँ पे ना मैंने आटा लगा के ना तुरंत ही मतलब बनाने लगी हूँ, इसलिए इसकी जो साइड की किनार टाइप की है ना, वो मतलब वैसे फटी फटी से हो रही, बट मैं उनको साइड में कर दूँगी, जो सही से निकल रहे हैं ना वो मैं कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। तो मतलब यहाँ पर ना मैं ऐसे बना रही थी, तो मतलब
कुछ मैंने ऐसे भी बनाए हुए हैं चांद सेप के, अनित बोल रहा था कि मुझे इस तरीके से बना देना तो उसको अच्छे लगे, तो कुछ मैंने इस तरीके से भी बना लिए। मतलब जो अपन को सेप बनाना हो वो किचन तो अपने हाथ में रहती है, जैसे भी अपन को एक्सपेरिमेंट करना हो, कलाकारी करना हो, कर सकते हैं। तो वही है, मतलब जो मुझे मैंने कुछ ऐसे कुछ वैसे जैसा मुझे मन किया मैं वैसे बना रही हूँ। तो यही सब था। और यहाँ पे ना मेरे मतलब कुछ बन गए हैं, और कुछ वहाँ पे मतलब बेसन वाले मेरी सासू माँ बना रही थी और ये वाला मैं बना रही थी। तो यही चल रहा था हमारा काम, धीरे धीरे प्रिपरेशन कर चल रही थी हमारा, मतलब फास्ट भी था तो थोड़ा वैसा लग रहा था हमको, मतलब क्योंकि मैं मेरी हैबिट है कि मैं फास्ट में ज़्यादा फलाहार नहीं करती हूँ, चाय पीऊँगी या फिर मतलब जो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ, बस ज़्यादा कुछ फलाहार नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ थोड़ा तो व्रत है, जैसे शाम को तो खाना खाना ही है, जो इवनिंग में खाना खा लेते उनका मैं फलाहार वगैरह नहीं करती हूँ। तो बस यही चल रहा था हमारा, और खाना पीना बन मतलब बनने की तैयारी चल रही थी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी डेढ़ या दो, शायद दो बज गए होंगे, समथिंग समथिंग अभी से बना, क्योंकि अनवी है ना परेशान करती है, पता ही है छोटे बच्चों के साथ थोड़े पहले से प्रिपरेशन करके रखना चाहिए अपन को, क्योंकि बाद में पता ही नहीं। और उसकी तबीयत तो अभी ठीक नहीं चल रही, क्योंकि टीथ वगैरह निकल रहे हैं ना, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर ना मैंने चाय रख दी है हमारी, ये मेरे मैंने बना लिए थे आटे वाले, तो मैंने चाय रख दी है बनाने के लिए। और मैंने ना ये गैस स्टोव नीचे उतार लिया, वैसे मैं अधिकतर नीचे ही बनाती हूँ, और जो ज़्यादा ऐसा खाना रहता है ना थकने वाला, तो उसमें और भी मैं नीचे मतलब बनाती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत जल्दी बैक पेन करने लगती है, मुझे चक्कर भी आने लगते हैं। और यहाँ पे ना मैं बेसन वाले, जो मतलब गौरा पार्वती जी की पूजा होती है इस व्रत में, मतलब लक्ष्मी जी का व्रत है, महालक्ष्मी व्रत बोलते हैं, मतलब कैलेंडर में भी, अब जिसके यहाँ मतलब रहते होंगे उन वो समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मतलब गौरा जी और पार्वती जी की पूजा होती है, तो मतलब हाथी रहते हैं तो उनको वहाँ पे उसकी भी पूजा होती है, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे छोटे छोटे से श्रृंगार। वैसे तो आजकल पूजा की पैकेट आती है, उसमें सभी रहती, चूड़ी बिंदी जो भी रहता है ना, सिर्फ श्रृंगार का सामान वो सभी रहता है, तो लेकिन मैं यहाँ पे बना देती हूँ खेल खिलौना टाइप का। तो यही था। और ये मैंने छोटे छोटे बना लिए हैं, और यहाँ पे मतलब मेरी चाय भी बनने ही वाली है, तो चाय बन गई थी, हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया था। फिर मैं यहाँ पे ना साफ़ सफाई भी हो गई थी मेरी, तो अब यहाँ पे ना मैं मतलब जो व्रत जो भी मतलब हम लोगों का लगेगा पूजा में वो बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये बनाए हुए हैं इनको, मतलब हाथी जी को और गौरा पार्वती जी को चढ़ाने के लिए। तो पहले मैंने सबसे पहले यही निकाल दिए, ये हाथी की सूंड में डालेंगे, जो चक्री टाइप की बनाई हुई है ना, जो हाथी की सूंड में डालेंगे। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों में से कौन कौन मतलब कि हाँ हाथी पूजा होती है, ये जो महालक्ष्मी का व्रत करते हैं किस तरीके से करते हैं, आप सब लोग बताना। और मतलब हम आप सब लोग किस तरीके से करते हैं, हम कैसे करते हैं, ये सब भी देख के बताना। तो यही था यहाँ पे, मतलब मैंने ये निकाल लिए जो पकते जा रहे हैं, मैंने मीडियम टू स्लो फ्लेम किया हुआ है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं किया हुआ है, क्योंकि मतलब वो हाई फ्लेम में क्या हो तो ऊपर से सिक जाते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि मतलब अभी कच्चे हैं। तो बस यहाँ पे मैं वो देख रही थी, मैं अपनी सासू माँ को बता रही थी कि देखो इस तरीके की है, मतलब मैं निकाल लूँ क्या, क्योंकि मतलब उनकी ज़्यादा दांत नहीं है, मतलब तो चबा नहीं पाती हैं, तो मैं ज़्यादा कड़क नहीं निकाल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ ऐसे ही निकल जाएं थोड़े तो ठीक रहेंगे, इसलिए उन्होंने भी थोड़े मतलब ऐसे मोटे मोटे टाइप के बनाए, और इससे थोड़े पतले और मोटे भी बना सकते जैसे अपन को बनाना हो। और इसको ना मतलब थोड़ी केयरफुली डालना पड़ता है, क्योंकि छींटे उड़ जाते हैं एकदम से। तो मेरा मतलब एक दो बैच निकल गए थे मेरे, और शायद ये लास्ट बैच ही है मेरा, तो वो निकल गए थे। तब मैं ये ना जो मतलब जो हमारे मीठे वाले थे ना, इनको शक्कर पारे भी बोलते हैं, खुरमी भी बोलते हैं, तो वो बना रही थी। वो भी मैंने दो टाइप के बनाए हुए हैं, ये थोड़े मोटे टाइप के हैं, कुछ पतले टाइप के भी हैं, तो जैसे भी रहेंगे मतलब अच्छा लगेगा वैसा ही है। तो ये हमारे बन गए हैं, और मतलब ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो ही गई है, और बस ये मैंने पूड़ी निकाल ली है जो पूजा में लगती है, अठवाई बोलते हैं ना उनको, तो मैंने पूड़ी भी निकाली, थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई, क्योंकि पूजा में लगने के बाद खानी तो अपन को ही रहती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई हुई हैं। तो ये अठवाई भी निकाल दूंगी। बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो, और ये अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी ऐसी ब्लॉग वीडियो आपको डेली डेली मिलती रहे। और
मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको कि मैंने हाथी पूजा कैसे की, हमारे यहाँ कैसी हाथी पूजा होती है। तो यही सब मैं मतलब सेकंड पार्ट में डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।